हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हमारे नेस्ट इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। और ये जो न्यूमेरिकल हैं बच्चों, ये आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। क्लास ट्वेल्थ में तो आते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ डेनियल सेल। ठीक है, यानी एक डेनियल सेल है जिसमें हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यानी केसी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन है, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, जिंक का भी दिया गया और कॉपर का भी दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे डेनियल इक्वेशन। तो डेनियल इक्वेशन कैसे होगी, जेड एन के ऊपर डबल प्लस का चार्ज, जेड एन और कॉपर के ऊपर डबल प्लस का चार्ज और यहाँ पर सी यू। तो ये हो गई हमारी डेनियल सेल इक्वेशन। ठीक, अब इसी डेनियल सेल इक्वेशन के लिए बच्चों हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में हमें केसी बताना है यानी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, केसी बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया इतने वोल्ट और यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ई सेल नॉट निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट और यहाँ पर जेड एन डबल पॉजिटिव, जेड एन माइनस ई नॉट सी यू डबल पॉजिटिव सी यू। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है ना, नहीं नहीं पहले कॉपर होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या होगा, ई सी यू डबल पॉजिटिव और सी यू माइनस होगा ई नॉट जेड एन डबल पॉजिटिव और जेड एन। तो यहाँ से हम ई सेल निकालेंगे बच्चों, ई नॉट सेल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट, कॉपर है 0.34 वोल्ट माइनस और माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक, ये वैल्यू हमने रख दी। तो बच्चों देखो कॉमन सी बात है, ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से हम निकाल लेंगे ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलो हम इधर ऐड करके आपको दिखा देते हैं, तो चलिए हम इधर ऐड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखो 0.34 और 0.76, 10 वन कैरी 11, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ गया। ठीक, ई सेल की वैल्यू आ गई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, देखो आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा रफ करते जाते हैं साफ साफ ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन में एन और यहाँ पर हो जाएगा लॉग के सी। ठीक है, क्या हो गया, लॉग के सी। अच्छा, एन देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अरे यार क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ये 2 आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पर, 1.1 इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा लॉग के सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1.1 इंटू 2 इक्वल टू 0.059 लॉग के सी। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे 2.2 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा 0.059 और ये लॉग के सी की वैल्यू हो जाएगी, लॉग के सी। तो चलो यहाँ पर 1, 2, 3 जीरो कर लेते हैं, बराबर बराबर हो गया, ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन देखो, ये आ जाएगा 2.2009 इक्वल टू लॉग के सी है ना, इसको डिवाइड करो। चलो तो चलिए हम दोनों मिलकर डिवाइड करते हैं, तो 22,000 और
59 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो कितने टाइम जाएगा, हाँ कितने टाइम में जाएगा, देखिए डिवाइड करके देखिए आप सभी लोग, क्या 3 टाइम में जाएगा, कोशिश करते हैं। 9 3 जा 27, 2 कैरी और 5 3 जा 15 16 17, हाँ जाएगा। 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 है ना, तो 11 4, ठीक कट गया इधर, 0 ले लो। कितने टाइम में जाएगा हम देखते हैं, 7 टाइम में जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। 9 7 जा 63 का 3 6 कैरी, 7 5 जा 35 35 41, ये हो गया। इधर कैरी ले लेंगे, 7 बच जाएगा है ना, और इधर 2 में से 1 गया, 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है। ये 170 आ गया, तो देखो कॉमन सी बात है कितने बार टाइम में जाएगा, तो ये जाएगा 3 टाइम में है ना, तो ये आ जाएगा 3 टाइम में जाएगा, ज़्यादा होगा ना, ये 2 टाइम में जाएगा, कितना 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी 5 2 जा 10 1 11, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना बचा 6 और 1 चला गया 5, 52 आया, देखो इतना ही जाएगा, जाएगा। फिर कितने टाइम में जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे अप्रॉक्स 8 में, देखो यहाँ पर हमें अप्रॉक्स वैल्यू ले लेनी, कहाँ गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 37.288 समथिंग में आएगा है ना। कितना आ जाएगा बच्चों, 37.288 ये वैल्यू हो जाएगी लॉग केसी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा है ना। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिएगा है ना। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है और इसी का हमें क्या बताना है, केसी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई सेल निकाल लेते हैं, तो देखो ई सेल हम निकालेंगे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो है ना, तो ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कितना अप्रॉक्स में 46 आएगा है ना, 46 आना चाहिए है ना। तो देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जी, हाँ ई सेल, ई नॉट सेल ए जी माइनस ई नॉट सेल, ई नॉट क्या है कॉपर, तो 0.80 माइनस 30.34, लेस कर दो भाई कितना बचेगा। तो यहाँ से जो ई सेल बच्चों निकलेगा वो कितना होगा, तो 80 और इधर 34, 0.46, ये इतना निकल के आया, ठीक है। अब देखो, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 है ना, एन लॉग के सी, ओके। सो पुट द वैल्यू एंड देयर इज वन, एन इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा 2। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.46 इक्वल टू 0.059 अपॉन में 2 लॉग के सी, ओके। सो लॉग के सी की वैल्यू निकालना हमें बच्चों, तो 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 इक्वल टू लॉग के सी है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1 कैरी 4 2 जा 8 9, ठीक, अपॉन में 0.059 इक्वल टू लॉग के सी है ना। पॉइंट बढ़ा लो भैया, 0 हटा दो, ये हटा दो, ठीक है।
तो लॉग के सी कितना आ गया, लॉग के सी इक्वल टू आ जाएगा 920 है ना, और 59। चलो इसको डिवाइड आप लोग करेंगे है ना, डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी वो लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। चलो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है, और बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, यहाँ तक कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन। हमें गिब्स एनर्जी बतानी है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बतानी है इस रिएक्शन की। हमें ये एक रिएक्शन दी गई है और इसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बतानी है, और हमें ई नॉट सेल की वैल्यू हमें इतनी वोल्ट दी गई है, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इजक्वल टू माइनस एन एफ और ई नॉट सेल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, पता है कि नहीं पता है, बताओ भाई। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए है ना, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू कितनी है 2, और f की वैल्यू कितनी होती है 96500। ये पता है आपको, ये पता है आपको f की वैल्यू है ना, ये f की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है, ठीक। बस फॉर्मूले में रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, f की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.32 वोल्ट, ठीक। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं है ना। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और ये दो जीरो उड़ा देंगे, उड़ा दिया 32 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 64 इंटू 965। यहाँ पर इतना समझ में आया 965। चलो इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 965 इंटू 64, चलो 20 4 5 जा 22 कैरी है ना, और 6 4 जा 24 24 और 2 26 26 का 2 सॉरी 26 का 6, फिर 2 कैरी आया, 9 4 जा 36 36 और 2 38 है ना, ये आ गया 6 5 जा 30 कितना कैरी 3 6 6 जा 36 36 और 3 39 का 9 कैरी कितना 3 और 6 9 जा 54 54 और 3 कितना हो जाता है भाई 57। तो यहाँ पर आ गया 57 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 06 7 1 कैरी 11 6, ठीक है। कैलकुलेशन किया तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल के आई बच्चों कितनी 61760। ये आ गई डेल्टा जी की वैल्यू, समझ में आया, डेल्टा जी की वैल्यू समझ में आई, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और ये माइनस के साथ आएगी और किलो जूल हो जाएगा, किलो जूल, ठीक। ये वैल्यू समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है इस रिएक्शन के लिए, जो हमें क्या दी गई, एक रिएक्शन दी गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमें कुछ वैल्यू भी दी गई है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये सारी चीज़ें हमें दी गई है, जैसे ई नॉट यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव AL हाफ सेल दिया गया, और इधर FE, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं,
ठीक है, सेल रिएक्शन। ठीक, सेल रिएक्शन में क्या, 2Al प्लस 3Fe है ना, Fe पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज है। ठीक, गिब्स क्या होगा यहाँ पर बच्चों, होगा 2Al यहाँ पर 3 प्लस का चार्ज हो जाएगा है ना, और 3Fe हो जाएगा, 3Fe। तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ पर, सबसे पहले हमने सेल रिएक्शन नोट कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो n इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 6। ये चीज़ समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से ई नॉट सेल निकालेंगे। ठीक है, तो ई नॉट सेल हम निकालेंगे, थोड़ा सा नीचे नोट करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ ई माइनस ई नॉट, ये एफ ई का हो जाएगा, माइनस ई एल का हो जाएगा। ठीक, वैल्यू देखो, एफ ई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.44, और ए एल की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1.66 ये वोल्ट में। तो यहाँ से ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल में कितना आ जाएगा, तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, यानी प्लस का आएगा, कोई भी वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये प्लस के साथ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1.22 वोल्ट, ई नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब उसके बाद में हम ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ई सेल यहाँ दिख रहा है नीचे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ, यहीं पर हम फॉर्मूला नोट कर लेंगे, क्या होता फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ई सेल है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में क्या आ जाएगा, एन आएगा है ना। तो n की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, चलो अच्छा एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं फिर वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा लॉग, कितना आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, चलो भाई वैल्यू रखते हैं। तो देखो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.22 माइनस 0.059 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकाले थे, 6 लॉग। ठीक है, लॉग, अब देखो लॉग पे अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ए एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और एफ ई डबल पॉजिटिव, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इस पर, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, तो बात करते हैं 0.1 स्क्वायर, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.2 एम, और यहाँ क्यूब हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा ही दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी वैल्यू ना आपको हल्की सी नहीं दिख रही होगी, 0.2 था, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन और करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1.22 माइनस, और इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.00983,
समथिंग में कुछ इतनी आएगी, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, लॉग वन, ठीक हो, लॉग वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, ठीक। इधर थ्री का, टू का क्यूब करेंगे तो 0.008 आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आई, एक जीरो बढ़ा लो, ये पॉइंट कट गया, तीन नंबर की बात। यहाँ से ये पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको काटा 5/4, ठीक। तो देखो लॉग 5/4 की वैल्यू क्या होगी, सेल इज इक्वल टू 1.22 माइनस 0.00983, और लॉग 5/4 की वैल्यू होती बच्चों 1.25। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक ठीक। अब लॉग 1., यहाँ पर ये लॉग 1.25, ठीक। ई सेल इज़ इक्वल टू 1.22 माइनस 0.00983, ठीक। और लॉग 1.25 की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग 1.25 की वैल्यू होती है 0.9691। कितनी होगी, 0.9691, ये वैल्यू रख दी, ठीक। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू 1.22 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, चलो करके दिखाइए। तो इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.009526, इतना आ गया। यहाँ से जो हम लेस करेंगे बच्चों, ठीक है, है ना। देखो वैल्यू पुटअप हमने इतने नंबर तक लिया है, यहाँ पॉइंट में और भी वैल्यू आगे आएगी, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है, ठीक है। अब इससे जब आप लेस करेंगे तो 1.21, बस इतना ही लेना है हमें, यहाँ तक आ गया। हमें मैक्सिमम वर्क डन बताना है, मैक्सिमम वर्क डन बताना है, वर्क है ना W। तो देखो हम इससे क्या करेंगे, हाँ तो देखो W मैक्सिमम वर्क बराबर माइनस का डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है NF, है ना, NF ई सेल, ठीक। ये फॉर्मूला आपको रटा होगा, है ना, ये आपको फॉर्मूला आता होगा ई सेल, ठीक। हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम वर्क निकालना है, N की वैल्यू इलेक्ट्रॉन 6 9 6, F की वैल्यू 5 00, और इसकी वैल्यू आई है कितनी, 1.21। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसका चलो बच्चों कैलकुलेशन करते हैं, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कर लेते हैं, करने में क्या जाता है। दो जीरो काट दें, एक दो पॉइंट हटा दें, बिल्कुल हटा देंगे। तो हम इधर कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले, हाँ हम कर लेते हैं इधर 6 का, 1 2 1 में 6 का करेंगे, 6 1 6, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 1 6 1 7, कितना आ गया, यानी 9 6 5 × 7 2 6, है ना। यहाँ तक आ गया ये W मैक्स, मैक्सिमम वर्क आ गया, ठीक, और जो कि होगा किलो जूल में, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके और आगे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लंबा कैलकुलेशन होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे और आपने किए ढेर सारे न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकल कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आज के लेक्चर में ही इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।